अपने सपनों को करे साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा आप देखते आ रहे हैं, हम लगातार अभिमन्यु सीरीज पर काम किए जा रहे हैं और उसी के तहत मैं हिंदी में आपको तत्सम तद्भव की क्लास पर डे पढ़ाए जा रहा हूँ। उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने रोज लेके आता जा रहा हूँ। उसी श्रृंखला में मेरा एक और प्रयास यही है कि मैं आज फिर आपके लिए दोबारा तत्सम तद्भव की क्लास को लेके आया हूँ। जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे हैं कि हम तत्सम तद्भव के क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करे आ रहे हैं, उनके क्वेश्चनों पे बात किए जा रहे हैं। इसका सबसे मेन मोटिव यह है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्जाम में अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उसी के तहत मैं आज आपके सामने फिर से एक लेके आया हूँ। देखिए, देखते हैं, बात कर लेते हैं आज फिर से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पहला मतलब 186वां क्वेश्चन है। इससे पहले हम 185 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं बात कर रहा हूं आगे के क्वेश्चन की। दिया, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द की बात कर रहा है। यहां हमसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें हमसे पूछ रहा है कौन सा तद्भव शब्द है। क्या कटा है, अवर है, रिक्त है या कड़वा है? यहां पे अगर मैं बात कर लूं एक एक उसकी, तो यहां पे कटा जो है वो यहां पर तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो कढ़ा होता है, ठीक है। यहां पर कढ़ा जो दिया गया है उसका मतलब यहां पर कढ़ा होता है। यहां मैं रिक्त की बात कर लूं तो रिक्त का मतलब होता है रीता। इसका जो तद्भव होता है वह रीता होता है। अवर की बात कर लूं तो अवर का मतलब होता है और यहां पर जो हमें कड़वा दिया गया है, मैं यहां कलर चेंज करके बात करूंगा आपसे, जो हमें कड़वा दिया गया है ये कड़वा भाई तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम कटु होता है। इसका तत्सम कटु होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वह कड़वा हो जाएगा। इसका सही आंसर कड़वा हो जाएगा। कटा का कढ़ा होता है। और यहां पे बात कर लूं मैं रिक्त की तो रीता होता है, और यहां पर बात कर लूं अवर की तो अवर का मतलब और होता है, और आगे कड़वा, कड़वा मतलब कटु होता है। मैं आगे बात कर लेता हूं। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कड़वा। देखिए आपके सामने, मैंने अभी पीछे बात की थी, फिर क्वेश्चन आ गया है कड़वा का तत्सम शब्द। कड़वा का तत्सम शब्द हमसे यहां पे पूछ रहा है, क्या भाई चड़क है, महागर्य है, कति है या कटु है? तो जैसे मैं पीछे पढ़ के आया हूं, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था और हम सब पढ़ के आए हैं, वहां पे बात कर लें तो भाई कटाका जो है वह कटु हो जाएगा, ठीक है। यहां थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बात करते हैं, यहां कटु हो जाएगा। कटु जो है भाई वह कड़वा का तत्सम रूप है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से गेहूं, गेहूं का तत्सम शब्द। देखिए गेहूं तद्भव शब्द है, उसको तत्सम में पूछ रहा है, तत्सम में बात कर रहा है। तत्सम हमें यहां पर उसका निकालना है। तत्सम की अगर हम बात करें यहां पे, देखिए भाई तत्सम शब्द की बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं गेहूं का मैंने आपको एक नहीं कई बार बता दिया है। पिछली वीडियो में मैं लगातार आपसे गेहूं पे बात करते आ रहा हूं। तो भाई मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके भाई गेहूं का मुझे तत्सम शब्द बताएं क्या होगा। जब तक मैं यहां बात कर लेता हूं, भाई क्या ग्रद है, गोधूम है, गौ है या ग्रंथ ही है? तो यहां जैसे आप पीछे भी पढ़ा होगा, यहां भी बात करें तो भाई गेहूं का जो हो जाता है वह गोधूम हो जाता है। गोधूम जो है वह गेहूं का तत्सम शब्द है। आगे बात कर रहे हैं, आगे देखिए फिर से पूछ लिया गया भाई गेहूं का, गेहूं शब्द का तत्सम शब्द। तो जैसा आपने पीछे पढ़ा था भाई क्या होता है, गोधूम होता है। गोधूम नहीं होगा, गोधूम होता है। इसमें बहुत अंतर है, ये नहीं होगा, छोटी ई की मात्रा नहीं होती है भाई, बड़ी ई की मात्रा होती है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं है। इसका सही आंसर ये है, ठीक है। हम आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ये चार में से एक शब्द तत्सम है। कौन सा है भाई? क्या ने है, क्या तपसी है, क्या दाख है या निम्ब है? तो यहां पे भाई मैं आपको सबका बता दूं, नेह नहीं होता है, क्या होता है, स्नेह होता है, स्नेह होता है। तपसी नहीं होता, तपस्वी होता है, तपस्वी होता है।
दाग नहीं होता है, द्रक्षणा होता है, द्रक्षा होता है, सॉरी द्रक्षा होता है भाई। निम्ब जो है ये हमारा तद्भव है, वो तत्सम है, सॉरी तत्सम पूछा गया हमसे, तत्सम है निम्ब, तत्सम है निम्ब का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं भाई, निम्ब का मतलब होता है हमारा नीम से। नीम जो शब्द है उसको संस्कृत में निम्ब कहा जाता है, निम्ब कहा जाता है। आगे बात कर ले भाई, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द, फिर हमें तद्भव शब्द यहां पे चुनना है, तद्भव शब्द की बात कर रहा है। क्या भाई तद्भव शब्द क्या है? कंकड़ है, कृष्ण है, शिक्षा है या तही है? तो भाई कंकड़ की बात कर ले, कंकड़ होता है की बात कर ले यहाँ पे, तो भाई कृष्ण दही, आप जैसा देख पा रहे होंगे आप सब लोग यहाँ पे कमेंट करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा बताएं भाई इसका जो सही आंसर है। जब तक मैं बता देता हूँ दही है। अब दही का आप मुझे तत्सम शब्द कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, इन सब के इनके तद्भव तीनों के और दही का तत्सम आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, क्योंकि हमने पीछे बहुत पढ़ते आ रहे हैं। और भाई इससे पहले 192 क्वेश्चन है, मतलब हम 191 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो 191 क्वेश्चनों में इनमें से अधिकतर शब्द, अधिकतर क्या, बहुत सारे शब्द हमें मिल चुके हैं और बहुत सारे शब्दों को हम देख भी चुके हैं जिनके तत्सम तद्भव हम लगातार देखते आ रहे हैं और देख चुके हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं आपसे भाई कह रहा हूं, आप मैं आपको एक 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 और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पर डिस्कस करने की जगह भाई टाइम को कम करते हुए सीधे बताऊंगा, जो हाँ मुझे लगेगा कि हाँ ये बताने वाला है मैं बताऊंगा, जो नहीं बताया है वह मैं बताऊंगा, लेकिन अधिकतर शब्द मैं आपको बता चुका हूं। तो मैं यही चाहता हूं कि भाई अब कमेंट बॉक्स में अगर तत्सम है तो उसका तद्भव, तद्भव है तो उसका तत्सम मुझे टाइप करके बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ताकि मैं देखूं भाई देख पाऊं कितने लोग मेरी वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं, कितने लोगों का प्यार हमें मिलता जा रहा है। उसी में आगे बात कर लेते हैं टाइम को बर्बाद ना करके। करा निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द, तत्सम शब्द फिर से पूछ रहा है भाई, कौन सा है, क्या क्षेत्र है, भादो है, कटहरा है या उल्लास है? तो यहां पे अगर मैं बात कर लूं भाई, क्षेत्र, क्षेत्र जो है खेत को कहते हैं, कटहरा या तत्सम शब्द की बात कर रहा है भाई, तत्सम, कटहरा जो है तद्भव है, नहीं होगा, भादो जो है नहीं होगा, उल्लास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उल्लास नहीं होता, उल्लास होता है, भादो नहीं होता। भादो का मैं आपको बता दे रहा हूं भाई क्या होता है, आप हिंदी महा का एक भद्रपद, आप एक चीज देखते आ रहे होंगे, हिंदी महा का एक, वो हिंदी कैलेंडर का सॉरी, एक महा होता है भद्रपद, जिसको हम अपने हिंदी और आम तौर की भाषा पे उसको भादो कह देते, सावन भादो वाला भादो, तो भादो नहीं होता, भद्रपद होता है। अब तो इसका सही आंसर जो होगा, तत्सम जो होगा वह क्षेत्र होगा। क्षेत्र क्या का क्या मतलब होता है? क्षेत्र का मतलब होता है खेत से। तो यहां पर अगर हम बात कर ले तो यह खेत से होता है, ये हमारा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर एक बार में सीधे लिख के देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर है वह क्षेत्र है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास आ गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, फिर से हमसे तद्भव शब्द पूछ रहा है भाई, अक्षर है, गोस्वामी है, आंसू है या यमुना है? तो हम यहां पे अगर बात कर लें तो आप देखते आ रहे होंगे आंसू जो शब्द है वह तद्भव है। क्यों? क्योंकि भाई आंसू हिंदी का शब्द है, उसका तद्भव क्या हो? इसका सॉरी तत्सम क्या होता है? तत्सम इसका होता है अश्रु, ठीक है, अश्रु होता है। और बाकी गोस्वामी, यमुना और अक्षर के आप मुझे तद्भव टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। सॉरी, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द पूछ रहा है, क्या बधिर है, प्रगट है, जीर्ण है या अमृत है? यहाँ पे अगर हम बात करें भाई इसके आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रगट। प्रगट नहीं होता है, क्या होता है? प्रकट होता है। इसका तत्सम जो होता है वह प्रकट होता है, तद्भव जो है इसका प्रगट है। कोई चीज प्रकट हो गई, हम कहते हैं भाई प्रगट हो गई है वह। आगे बात करें हम, आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द एक हमसे पूछ रहा है कौन सा है भाई, क्या वह
हमारा ओझा है, क्या वह ओंधा है, क्या वह ईंधन है, क्या वह कृष्ण है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा, इसका सही आंसर की अगर मैं बात कर लूं तो इसका सही आंसर भाई कृष्ण होगा। कृष्ण होगा, कृष्ण क्यों होगा भाई, कृष्ण जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है और भगवान का एक नाम भी है हमारे कान्हा जी, जिनको हम कहते हैं, मतलब हम हिंदी में उन्हें कान्हा कहते हैं, तो वह कान्हा जी का एक नाम है कृष्ण, जो संस्कृत में कृष्ण कहलाता है। आगे बात करें, कह रहा है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द, फिर से हमने तद्भव शब्द पूछ रहा है कौन सा है, तद्भव शब्द की यहां बात कर रहा है, क्या है भाई, मौत है, पुष्कर है, क्षेत्र है या पाषाण है। यहां पे अगर हम बात कर लें तो भाई आप देखिए इसका कौन सा होगा, मौत होगा, पुष्कर होगा, पाषाण होगा, क्षेत्र होगा। तो भाई इसका सही आंसर जो होगा वह मौत होगा। मौत नहीं होता है, क्या होता है, मृत्यु होता है, ठीक है, मृत्यु होता है, मृत्यु, मौत नहीं होता है, मृत्यु होता है इसका तत्सम। तो इसलिए इसका तद्भव शब्द जो है हमारा वह मौत है, मौत नहीं होता है, क्या होता है, हम मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, मृत्यु होता है। मृत्यु अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है तो हम दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं इसको भाई, क्या होता है, मृत्यु। एक बार याद करें और बहुत अच्छी तरीके से इसको याद करें। और भाई मेरा कहना यही है, जब भी आप पढ़ें तो एक साथ में पेन और कॉपी लेके पढ़ें, क्योंकि हमारे कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हम लिख तुरंत लिखें तो हमें याद जल्दी हो जाते हैं। कि भाई देखो, देखने में किसी चीज़ को देखने में और लिखने में बहुत ज़्यादा अंतर है। लिखने में वो चीज़ हमें जल्दी याद हो जाती है, बाकायदा उसको पढ़ने में या सुनने में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया है भाई तद्भव से तत्सम। देखो तद्भव से तत्सम बनना है यहाँ पे, माने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, सही शब्द युग्म चुनना है, बिल्कुल सही, जिसमें तत्सम और तद्भव दोनों सही हों। भाई क्या सुई का सुइया हो जाएगा, ग्वाला का ग्वाल हो, ग्वाल हो जाएगा, गवार का ग्रामीण हो जाएगा, आँख का अच्छी हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे भाई सुई का सुई नहीं होता है, सुई का क्या होता है, सुई का आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। गोपाल का ग्वाल नहीं होता है, क्या होता है आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताएं। आँख का अच्छी नहीं होता है, क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। जब तक मैं इसका आंसर बता देता हूँ, गंवार हो जाएगा, गंवार का ग्रामीण होता है। भाई मैं आपको यह पढ़ा चुका हूँ अधिकतर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसके बारे में बताएंगे लगातार। आगे हमसे पूछ रहा है भाई अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तत्सम रूप की बात कर रहा है, क्या यह है, स्प्रहा है, आश्चर्य है या लिप्सा है। तो भाई अचरज में पड़ जाना या आश्चर्य में पड़ जाना बात एक ही है, तो इसका तत्सम जो होगा वह आश्चर्य होगा। अचरज में पड़ जाना भाई कहा जाता है, वह आदमी आश्चर्य में पड़ गया। आश्चर्य को हम जल्दी से, कभी आपने देखा होगा आम भाषा में एकदम बोल दिया जाता है, भाई वह अचरज में पड़ गया है, उसके साथ कोई घटना घट गया, अरे भाई अचरज में पड़ गया है। तो यहां पर जो हमसे कहा जा रहा है वह अचरज की बात कर रहा है, अचरज का मतलब आश्चर्य से हो गया है यहां पे। आगे बात करें, करा निम्नलिखित शब्दों में से चौथा, देखो चौथा, चौथा हिंदी का शब्द है, चौथा मतलब चार, और यहां पे हमसे बात कर रहा है तत्सम रूप की चौथे की। तो मैंने आपको बताया था संस्कृत की जितनी भी संख्याएं हैं वह सब तत्सम कहलाती हैं, तो चौथा का चतुष्पद हो जाएगा, सॉरी ऐसे तो आपको लगेगा सही है ये भी, चतुष्पद हो जाएगा, चतुष्क हो जाएगा, चतुष्कांड हो जाएगा या चतुर्थ हो जाएगा। भाई चतुष्पद चार पद, चतुष्क चार अंक और चार अंक, और चतुष्कांड मतलब चार कांट की बात कर रहा है, लेकिन हमसे बात कर रहा है चौथा, तो इसका सही आंसर चतुर्थ हो जाएगा। चतुर्थ मतलब चार, चार का मतलब चौथा, चौथा का मतलब चतुर्थ, ऐसे याद किया करें, चतुर्थ का मतलब चार, चार का मतलब चौथा, चौथा का मतलब चतुर्थ, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। फिर पूछा है निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप, आंख का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ईदृश्य हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, दृष्टिका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, अक्षी हो जाएगा, अक्षी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द, फिर से हमसे तद्भव शब्द पूछ रहा है कौन सा है, क्या भाई बच्चा है, शब्द है, रोम है या काश है। तो यहां मैं आपको सामने बात बता दूं भाई,
यहाँ पे आपसे बात कर रहा है तत्सम शब्द की, वो सॉरी तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द क्या है यहाँ पे, आप मुझे आंसर में बताएं जल्दी से जल्दी। देखिए आपके सामने मैं बता दूं आपको, दूसरे पेन से लिख देता हूं भाई। बच्चा जो है इसका सही आंसर है तद्भव है। क्यों है? बच्चा नहीं होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बत्स होता है, बत्स 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 होता है। और कास शब्द और रोम का आप मुझे तद्भव रूप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, फिर भी कास का मैं बता देता हूं, शायद आपके सामने नया है। तो कास का मतलब होता है खांसी। इसका सही आंसर यह है, मैं लगा देता हूं भाई, कास का। और रोम, रोम की आप बात करें, रोम सॉरी रोम आपने देखा होगा भाई आपके शरीर पे ये जो दिखाई दे रहा है इनको कहते हैं रोआ, जो रोआ कहते हो वही रोम होता है, रोआ होगा ये, ठीक है। शब्द शब्द की बात कर रहा है, शब्द का मतलब एक शब्द से, किसी लिखी हुई चीज से होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर जो है बच्चा हो जाएगा। एक मिनट को मैं दूसरे पेन से इसको लिख देता हूं ताकि आपके सामने जो है ये लगे कि हमने ये नहीं लिखा है, हमने कुछ और लिखा है। इसका सही आंसर जो है भाई ऊपर लिख दिया है मैंने, इसका खांसी हो जाएगा, ठीक है। रोम का होता है रोआ, ठीक, रोआ इसका सही आंसर हो जाए, मतलब सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर जो है बच्चा बत्स हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम, आगे हमसे पूछा निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव वो सॉरी तत्सम शब्द कुछ पहचानिए। तत्सम शब्द हमें पहचानना है क्या भाई, कई है, जब है, मोर है या भक्त है। तत्सम शब्द की बात कर रहा है भाई हमसे, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द आप मुझे बताएं इसका क्या होगा। तत्सम शब्द की अगर हम बात कर लें तो इसमें तत्सम शब्द भक्त हो जाएगा, भक्त। भक्त का तद्भव क्या होता है, भक्त के तद्भव की हम बात कर लें तो भक्त का तद्भव होता है भगत, ठीक है। भगत वह आदमी भाई बड़ा भगत बना फिरता है, भगत बना फिरता है, भगत मतलब पंडित, भक्त बात एक ही है, ठीक है। यहाँ आगे बात कर लेते हैं, देखो आ गया भक्त का तद्भव क्या है, फिर मैंने अभी आपको पीछे बताया था, देखिए क्वेश्चन आ चुका है भक्त का तद्भव पूछ रहा है, तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, भगत होता है, ठीक है। इसका सही आंसर भगत हो जाएगा, बाकी श्रद्धा भाव और प्रेम का आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे इसका जो है क्या होगा आंसर। तद्भव से तत्सम, देखिए फिर से तद्भव से तत्सम मैंने सही युग्म का चयन करना है, सही युग्म का हमें चयन करना है क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है भाई क्या गांव ग्रामीण होगा, आम आम्र होगा, जड़ जड़ज होगा या जो यह होगा। यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा वह आम आम्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, बाकी क्यों नहीं है, तो बाकी इसलिए नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे लिख के दिख रहा है साहब। देखो भाई गाम का ग्रामीण नहीं होता है, ग्राम होता है, ठीक है। जड़ का जड़ा होता है, ठीक है। जो का जब होता है, सही है। इसलिए इसका सही आंसर जो है भाई आम हो जाएगा, आम का आम्र होता है, सॉरी, ठीक। आगे बात कर लेते हैं गांठ का तत्सम रूप कौन सा है भाई, गांठ का तत्सम रूप हमसे पूछ रहा है कौन सा है भाई, गुठी है, गठी है, गट्ठर है, अंगुष्ठ है या ग्रंथि है। गांठ की बात कर रहा भाई, गांठ का सही आंसर जो है वह ग्रंथि हो जाएगा, ग्रंथि इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन पे बात हम करते हैं, आगे इसके क्वेश्चन देखिए दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द चुनना है भाई, आप तत्सम शब्द मुझे बताएंगे इसका सही क्या होगा, सही है। इसका सही आंसर मुझे भाई बताएं क्या होगा। देखिए भाई मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, देखिए आपके सामने देवर होगा, जेठ है, भतीजा है या पुत्र वधू है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे भाई, देवर हिंदी का शब्द है, भतीजा हिंदी का शब्द है, जेठ हिंदी का शब्द है, पुत्र वधू जो है वह संस्कृत का है। पुत्र वधू, पुत्र मतलब पुत्र की वधू, इसको हम कहते हैं पतोह, पतोहू। इसका जो तत्सम का तद्भव होता है वो पतोहु होता है, पतोहु, सही है। इसका जो सही आंसर है वो पतोहु हो जाएगा। इसलिए और अब यहाँ पे हम बात कर लें जेठ की,
तो जेठ का क्या होगा? जेठ का होता है ज्येष्ठ, ठीक है। देवर का द्विवर होता है, और भतीजा का आपको मैंने पढ़ाया ही था और बताया भी था क्या होता है, भ्रातज्य होता है, भ्रातज्य। सॉरी सही से लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। भ्रातज्य होता है, सही है। इसका सही आंसर जो है वह पुत्र वधू हो जाएगा। क्यों? पुत्र वधू जो है वह तत्सम का शब्द है, इसका तत्सम शब्द है पुत्र वधू। पतोहु जो होता है, पतोहु जो होता है वह तद्भव होता है। आगे बात कर सकते हैं, आगे बात करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। फिर से हमसे तद्भव शब्द चिन्हित करवा रहा है। तद्भव शब्द क्या होगा? उसाई है, जड़े है, बिच्छो है, या संतापन है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, बिच्छो नहीं होता है, इसका होता है बिछोहू। बिच्छोभ का जो होता है, सॉरी एक मिनट रुकिए, हाँ सॉरी, हम बात कर रहे थे, इसका होता है बिछो, ठीक है, जड़ा, सॉरी जाड़ा। और संतापन का मतलब होता है सताना, ठीक है, सता ना, किसी चीज को सताना या किसी आदमी को सताना संतापन होता है, सताना। तो इसका सही आंसर जो है भाई वह गुसाई हो जाएगा। गुसाई का क्या होता है? गुसाई का जो होता है वह होता है गोस्वामी, ठीक है, तत्सम गोस्वामी होता है। और ये सब तद्भव लिखे गए हैं। आप जड़े का जाड़ा होता है, बिच्छोभ का बिच्छो होता है, संतापन का संतान वो सताना होता है। आगे बात कर ले, पूछा निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप पूछ रहा है। कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? सही है, कंगन के तत्सम रूप की हम पे बात कर रहा है। क्या वह कंकती है, कंट की फल है, कंसारी है, या कंकड़ है? तो भाई इसका जो सही आंसर है वह कंकड़ है। कंकड़ मतलब कंगन से होता है, ठीक है। बाकी आप कंकती, कंट की फल और कंसारी का मुझे जो है तत्सम दिया गया है, इसका तद्भव मुझे, सॉरी तद्भव दिया गया है इसका, सॉरी क्या कह रहा, अच्छा कंगन का, ये सब के सब तत्सम है भाई। हाँ सॉरी, ध्यान देना, कंकती, कंटिक फल और कंसारी, ये सब के सब तत्सम है। इनका तद्भव आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। करा तद्भव से तत्सम बने सही शब्द यूं चिन्हित कीजिए। तत्सम, सॉरी तद्भव से फिर से तत्सम बने जो शब्द है यहाँ पे उनको हमें चुनना है। क्या है भाई सही आंसर? को सही युग को चिन्हित करना है जो बिल्कुल सही है। क्या है भाई? धुआं है। एक मिनट, तद्भव से तत्सम बने, ठीक है, विभूत बभू, देखिए धुआं का धूम्र है, बभूति का विभूति है, नेह का स्नेह है, ये चवाने का चवण है। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, इनके कहीं ना कहीं भाई जो तद्भव से तत्सम बनाया गया है उनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक की गई है, ये आपस में नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर होता है बभूत का विभूति। देखिए धूम का धूम्र होता है, ठीक है, सॉरी धूम्र होता है, चवाने का चवण होता है, और इसका स्नेह होता है, स्नेह नहीं होता, स्नेह होता है। इसलिए इसका सही आंसर बभूत जो है विभूति है। आगे बात करें, आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द हमसे फिर से पूछ रहा कौन सा है भाई? आग है, अवर है, मंथज है, मंस है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, और भाई आपने पहचान भी लिया होगा क्योंकि हम इतना अभी तक लिखते आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं, तो आप सबने पहचान भी लिया होगा भाई क्या है इसका सही आंसर। तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक बात कर लेते हैं। देखिए भाई, आग जो है ये हिंदी का शब्द है,
आग जो दिया गया है वह हमारा हिंदी का शब्द है। आग का क्या होता है, आग का लिख लेते हैं, आग का अग्नि होता है, ठीक है, अग्नि सही से लिख लेते हैं, आग का देखिए अग्नि होता है, ठीक है, अग्नि होता है, अग्नि जो है इसका तत्सम रूप होता है। तो इसका सही आंसर यह है। तो मुझे यह बताएं जरा, वंश मंथज और अवर का तद्भव क्या होता है, ये लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं जल्दी से। देखिए मंथज आपके सामने हो सकता नया शब्द हो, तो मैं बता देता हूं भाई क्या होता है, मक्खन होता है, अवर का ओ और होता है, ठीक है, और होता है, और यहां पे बात कर रहा है वंश की, तो वंश का होता है बांस, ठीक है, मांस होता है। इसका सही आंसर जो है वह अग्नि है, मतलब आग है, आग का अग्नि होता है। करा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, सही है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा भाई, इसका तत्सम शब्द मुझे आप जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। अब आपको मैं बताऊं, देखिए पोथी क्या होता है, पुस्तक होता है, अघन अघन होता है, सही है, अंगीठी नहीं होता, अंगिष्ठिका होता है। तो इसका सही आंसर जो है मयूर हो जाएगा। मयूर का क्या होता है, मयूर का हम यहाँ लिख देते हैं क्या होता है, मयूर का मोर होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, सही शब्द युग्म की बात कर रहा है हमसे, जो युग्म इसका सही है भाई, चिड़िया चटर्क है, पोथी पुस्तक है, मौसी मार्तज्य है, या क्या नाम है तुम तुष्मेव है। तो इसका सही आंसर जैसा आपने देखिए पीछे पढ़ा होगा भाई, पोथी पुस्तक है, ठीक है, पोथी का मतलब पुस्तक होता है, ठीक है। बाकी भाई मौसी का मार्तज्य नहीं होता है, चिड़िया का ये नहीं होता है, तुम का तुष्मेव नहीं होता है। तो आप मुझे जो है भाई इसका सबका जो मौसी का क्या होता है तत्सम टाइप करके बताएंगे, चिड़िया का क्या होता है टाइप करके बताएंगे, और भाई तुम का क्या होता है ये भी मुझे टाइप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, सही से पूछ रहा है, बिल से सही है बिल्कुल, ठीक है। चौथा चतुर्थ है, इकतीस एक त्रिंसत है, इतना का इतना है, या अड़सठ का अष्टज्येष्ठ है। तो आप मुझे भाई सही बताएं, हम पीछे पढ़ के आए थे, देखा पढ़ा था ना चौथा का चतुर्थ, मैंने कहा था चार मतलब चतुर्थ माने चार, चार मतलब चौथा, चौथा मतलब चतुर्थ, तो मैंने आपको याद भी कराया था इसका सही आंसर चौथा चतुर्थ है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे कह रहा है अच्छा इसके जो है भाई क्या क्या गलती है इसमें, इनके सही जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे, इनके सही सही क्या होंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही क्या है टाइप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे। छोटी छोटी गलतियां हैं इनमें, छोटी छोटी गलतियां लिखी गई हैं, उनको लिखना है, उनको सही करना है। करा निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चुनना है, फिर से हमें तद्भव शब्द चुनना है, क्या है, आशीष है, केस है, ताप है, या कार्य है। तो यहां पे अगर इसका सही आंसर की बात कर लें तो भाई आशीष हो जाएगा इसका सही आंसर, जो मतलब जो इसका तत्सम होता है वह आशीष होता है, ठीक है, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द पूछ रहा है फिर से हमें, कौन सा है भाई, क्या है, जत्था है, तपसी है, थोड़ा है, या अग्नि है। तो जैसे आपने पीछे पढ़ते आ रहे होंगे, अभी देखा भी होगा, हमने बात करी थी आग का पूछा था, तो आग का जैसे हम सब जानते हैं भाई अग्नि होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें निम्नलिखित में से आकाश का
तद्भव रूप, आकाश जो है तत्सम है, इसका तद्भव रूप की बात कर रहा है। क्या होगा? आसमान हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, नभ हो जाएगा या असमान हो जाएगा। असमान तो बिल्कुल नहीं होगा, असमान का मतलब जो समान नहीं है। आसमान और असमान में बहुत अंतर है। असमान, असमान, असमान जो किसी के समान नहीं है वो हो जाएगा। अब हम बात कर लें भाई यहां पे अंबर की और नभ की, तो आकाश का हमसे पूछ रहा है भाई, हमसे पर्यायवाची की बात नहीं कर रहा है, हमसे तत्सम का तद्भव पूछ रहा है। तो आकाश का तत्सम जो होता है वह आसमान हो जाता है, और अंबर और नभ जो है यह इसके पर्यायवाची है, ना कि इसके तद्भव है। सही, आकाश के तद्भव जो है वह आसमान है। आगे बात कर लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तत्सम तद्भव के सर्वोत्तम सर्वोत्तम शुद्ध युग्म का चयन कीजिए। सर्वोत्तम मतलब सर्वोत्तम सब में उत्तम, जो बिल्कुल उत्तम है उसका चयन कह रहा है। सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए, सर्वोत्तम, ठीक है। कह रहा आज का अर्ची हो जाएगा, आज का अध है, ये सही है, या साचा संचक है, या घर ग्रह है। तो मैं आपकी बात कर लूं भाई, आज और अर्ची नहीं होता, आज का अर्ची होता है, ठीक है। आज का क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। सांच का संचक नहीं होता है, सांच का संचक नहीं होता है, क्या होता है भाई कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। और इसका ग्रह जो है वह घर का पर्यायवाची, सॉरी घर का ग्रह जो है वह तत्सम शब्द है। तो घर का जो है, घर हमारा तद्भव है और ग्रह जो है तत्सम है, इसलिए यह आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें, करा निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम, फिर से सर्वोत्तम युग की बात कर रहा है। क्या है भाई? उगना उद्दात है, लोह लोहकार है, सरसो सरसर्प है, या जीव का जिभ्या है। तो यहां मैं आपकी बात कर लूं भाई, यहां जो है आप लोगों को लग रहा होगा ये लोहार और लोहकार सही आंसर है, आधे लोग उठाएंगे और इसको जो है सीधे सही मार के चले आएंगे, क्योंकि आपको सही लग रहा होगा लोह का लोहकार होता है, लेकिन लोहार जो है वह गलत लिखा है भाई। लोहार ऐसे लिखा जाता है, ना कि लोहार लिखा जाता है। लोहकार सही है, ये सही है, इसका ये होता है, लेकिन ये गलत है, इसलिए ये आंसर गलत है भैया। उगना का उद्दत नहीं होता है, सरसों का ससर्प होता है, लेकिन भाई ससर्प ऐसे लिखा जाता है, या आपको ये कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये दोनों ही सही है, लेकिन ये नहीं होता है भाई। जीव का जिभ्या बिल्कुल सही आंसर है, या हम इसको अगले पेन से लगा लेते भाई। जीव का जो है यह बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है, ये इसका ये नहीं होगा, और इसका ये नहीं है, और इसका ये नहीं है, इसलिए ये आपस में गलत है। आगे बात कर ले, कह रहा है भाई आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसू के बात कर रहा है, अच्छी है, चक्षु है, अभ्र है, या असुरु है। तो जैसा आपने देखा होगा भाई, पीछे भी हम पढ़ते आ रहे हैं, आंसू का जो हो जाता है वह असुरु हो जाता है। तत्सम शब्द की अगर हम आंसू की बात करें तो वह असुरु हो जाता है। आगे बात करें, करा निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है? सही युग्म की फिर से बात कर रहा है भाई, सही युग्म क्या है? बिसरना भुलावा होता है, भुलाव होता है, गेहूं का गोहूम होता है, पन्ही का जो है पन्हा होता है, या पुराना का पुराण होता है। तो भाई बिसरना का होता है विस्मृत, गोहू का गोधूम होता है, पन्ही का उपाहन होता है, ना कि भाई पाहन होता है, इसके आगे ऊ लगा दो, ठीक है। और पुराण का पुराणा बिल्कुल सही है, सॉरी पुराना का पुराण बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पुराना का पुराण होता है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, इसलिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने आज फिर लेके आया। हम लगातार बात कर रहे हैं तत्सम तद्भव पे, और हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराई जाए किसी भी टॉपिक पे। आपको पता है आपके आर ओ आर ओ में 6 टॉपिक हैं, ठीक है, प्रत्येक के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चनों में कौन से आ जाएंगे? तो हम 10 क्वेश्चनों के लिए यहाँ पर 250 क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें हर
हाल में याद हो जाएंगे। हमारे सामने से वो 10 क्वेश्चन जो है वह हट के नहीं जाएंगे, जो हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार देखेंगे कि भाई हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो आपको सबको लगेगा कि हाँ अब हमारे सामने जब पेपर आएगा तो आप देखेंगे भाई ये तो पढ़ा हुआ आया है। और वहाँ जब आप सही करके आएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हम कितनी प्रैक्टिस करने के बाद आए हैं। तो हमारा प्रयास यही है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएं, और लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं, वीडियो लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, प्रश्नों को हम कराए जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न लेके आ रहे हैं जैसे आप देखते जा रहे होंगे यूपी एपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है ये 97 में, ठीक है। तो आप लगातार देखते आ रहे होंगे हमारा कोई भी क्वेश्चन, आप कोई भी उठा के देखिए प्रश्न कि अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो आप देख रहे होंगे यहाँ एपीओ की सीरीज बहुत आई है, एपीओ की सीरीज आई है, यहाँ लोअर सबऑर्डिनेट की भी है, सही है, और आर ओ की। जैसे ये देखो मैंने पूछा था भाई आर ओ में आया वो क्वेश्चन है और 2016 का आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पे और बात कर लें, और अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप देखते आ रहे होंगे लगातार हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने जिन क्वेश्चनों में ये भी एपीओ में आया हुआ है, ये लोअर सबऑर्डिनेट में आया हुआ क्वेश्चन है, या आपका आर ओ में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप के लिए उत्तम है और अति उत्तम है, सर्वोत्तम कहा जाए, जैसे यहाँ कह रहा था तो सर्वोत्तम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपको आपके जब पेपर सामने आएगा तो आप उनको हट नहीं पाएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल एनपीसी गुरुकुल से लगातार बने रहें और देखते रहें हमारी वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें और भाई सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका एक शेयर और एक लाइक हमारी उम्मीद बढ़ाता है, हमारे अंदर उत्साह पैदा करता है ताकि हम जो अगली वीडियो लेके आते हैं, अगली क्लास आपके लिए लेके आते हैं तो वो हमें उत्साह भरपूर हो जाती है। इसलिए आप बने रहें हमारी वीडियो में, लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।